विधायक ने किया सड़क निर्माण का शिलान्यास। शनिवार को बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ विधायक बैजनाथ रावत ने मुख्यमंत्री पर्यटन सर्वधन योजना अंतर्गत कालीदेव बाबा मंदिर में 4.18 लाख की लागत से सड़क निर्माण का किया शिलान्यास। शनिवार को हैदरगढ़ विधायक बैजनाथ रावत ने मुख्यमंत्री पर्यटन सर्वधन योजना अंतर्गत कालीदेव बाबा मंदिर में 49.18 लाख की लागत से कालीदेव बाबा मंदिर की ग्रामीण सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। ग्रामीणों की उपस्थिति में मंदिर निर्माण कार्य के साथ सीसी सड़क निर्माण कार्य का विधायक ने नारियल फोड़कर पूजा अर्चना की। इस मौके पर विधायक ने कहा कि फतेहपुर जमरावा पंचायत अंतर्गत जमरावा गाँव में स्थित कालीदेव बाबा मंदिर के साथ सीसी सड़क निर्माण कराया गया। वहीं विधायक ने कहा कि सड़क निर्माण होने से एक बड़ी आबादी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएगी। सभी ग्रामीण सड़कों के प्रखंड की सीमा होने के कारण दर्जनों गांवों का संपर्क बहाल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि लंबे अरसे से ग्रामीणों द्वारा सीसी सड़क बनाने की मांग की जा रही थी, जिसका लोकार्पण कर उन्होंने अपने वादे को पूरा करने का काम किया है। सड़क निर्माण को लेकर आसपास के ग्रामीण काफी खुश नजर आए। उन्होंने प्राथमिकता के साथ क्षेत्र को बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं कृषि के क्षेत्र में अव्वल बनाने की प्रतिबद्धता जताई। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष उत्तम वर्मा, भाजपा नेता मोहित वर्मा, भाजपा नेता सुशील दीक्षित, ग्राम प्रधान सौरभ सिंह चौहान, अशोक द्विवेदी सहित दर्जनों ग्रामीण उपस्थित रहे। बाराबंकी से सुधीर शर्मा, सिटी टीवी 24 न्यूज। जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पहली बार पंचायत चुनाव भी लड़ेगी। अभी इससे पहले जो हमारे एमएलसी के चुनाव हुए, पहली बार एमएलसी चुनाव लड़ा और उसमें व्यापक सफलता हासिल हुई हमारी। और अब भारतीय जनता पार्टी को घर घर की पार्टी, व्यक्तिगत व्यक्तिगत की पार्टी बनाने के उद्देश्य से पंचायत चुनाव में हिस्सा लेने जा रहे हैं। और पार्टी चाहती है कि हर घर में भारतीय जनता पार्टी का एहसास हो और भारतीय जनता पार्टी की जो जिले में, ब्लॉक में और गाँव की सरकारें बने। अभी तक हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार है 2017 से, और भारत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन बाराबंकी जिले में, जिले पर हमारी सरकार इसलिए नहीं है कि हमारा जिला पंचायत अध्यक्ष हमारा नहीं है। और लगभग 100 करोड़ रुपया जिला पंचायत अध्यक्ष के हिस्से में आता है, और वो अगर भारतीय जनता पार्टी का नहीं व्यक्ति है तो हमारे उद्देश्यों को पूरा नहीं करता। वो किसी राजनीतिक दल को बढ़ाने के लिए पैसा लगता है। इसी तरह से DDC को हम जब जिताएँगे लोकल पार्टी में, और हमारे ज़्यादा DDC जीतेंगे तो जिला पंचायत के अध्यक्ष पर हमारे भारतीय जनता पार्टी कब्जा हो। इसी तरह से हमारे ब्लॉकों में हमारी सरकार नहीं है। हमारा कहने मतलब हमारे ब्लॉक प्रमुख नहीं तो हमारी सरकार नहीं है। सरकार 20-25 करोड़ रुपये हर साल देती है ब्लॉकों को क्षेत्र के विकास के लिए, लेकिन जब हमारा व्यक्ति नहीं वो कुर्सी पर बैठा है तो भी पैसा निजी स्वार्थों में खर्चा करते हैं और वो पक्षपातपूर्ण ढंग से खर्चा करते हैं। सर, इससे पहले परिसीमन जारी हुआ था, आरक्षण जारी हुआ था, उसके बावजूद फिर रोक लग गया, क्यों इस पर ऐसे रोक लगाया जाता है? अब मानी उच्च न्यायालय का आदेश है तो उसका सब लोग हम सम्मान करते हैं, उससे बड़ा कोई है नहीं। ओके सर, थैंक यू। इस संबंध में आप क्या बताएंगे? पर्यटन विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार संकल्प है, क्योंकि अब तक की पूर्ववर्ती सरकारों ने जो हमारे हिंदू तीर्थ स्थान थे या हिंदू देवी देवताओं के मंदिर थे, उनका कभी भी पर्यटन की दृष्टि से उसका विकास नहीं किया गया। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, जिसके अगुवा हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने स्वयं मुख्यमंत्री पर्यटन संवर्धन योजना के अंतर्गत आज कालीदेव बाबा के स्थान को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने के उद्देश्य से किया गया है। इसके लिए 49,18,000 रुपये स्वीकृत किए गए हैं, और इसमें तमाम चीज़ें पर्यटन की दृष्टि से जिस मंदिर में जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं या ज़रूरतें हैं, उनका एक अपना मानक है, उस हिसाब से इसका डेवलपमेंट करेंगे। जैसे CC रोड है, इसमें हाई मार्क्स लाइट है, शौचालय है, इस तरह से कुछ और साइनेज काम है। और सर, आप ये बताइए, ये जो है हैदरगढ़ क्षेत्र में क्या यही शिलान्यास होना है, इसके अलावा हर कहीं पर नहीं? पर्यटन का हमारे विधानसभा में एक स्थान दिया गया है, बाकी आज तक 4 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश में 4 साल के उपलक्ष में जितने निर्माण कार्य हैं उनके उद्घाटन, शिलान्यास, सारा सब जगह हो रहा है, लेकिन हमारी विधानसभा में पर्यटन के लिए ये हुआ है। बाकी अभी जो हमारी विधानसभा क्षेत्र के हैं वो ब्लॉक स्तर पर उद्घाटन कार्यक्रम आज किए जाएंगे। सर, आप मीडिया को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी ओर से? संदेश देना चाहते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ देश का समग्र विकास होना चाहिए, और इस उद्देश्य में भारत की सरकार माननीय योगी जी, उत्तर प्रदेश में योगी जी और भारत में मोदी जी, इसी दिशा में काम करते हैं कि ना किसी का धर्म का भेद है, ना किसी जात का भेद है, व्यक्ति गरीब है उसको उठाने का काम और देश को तरक्की पर ले जाने का काम ये हमारे भारतीय जनता पार्टी सरकारें करती हैं। ओके सर।